तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। यदि आप बिहार डीएलएड के परीक्षार्थी हैं और 2020 में फाइनल ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। आप सभी को बता दें कि जिनका 2018 से 20 में नामांकन हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम 4 अगस्त से होनी थी, आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। इन सभी अभ्यर्थियों की मांग है कि CBSE के तर्ज पर रिजल्ट दिया जाए, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन को आधार मानते हुए मूल परीक्षा का रिजल्ट भी तैयार किया जाए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन सभी अभ्यर्थी जो भी डीएलएड सत्र 18 से 20 में नामांकन लिए थे, जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम है, तो इन सबका कहना है कि CBSE की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 30 जुलाई तक में रिजल्ट घोषित करने की गुहार लगाई है, क्योंकि इनका प्रथम वर्ष का एग्जाम 2019 में हो चुका है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से लिया गया है और इंटरनल एग्जाम कॉलेज के द्वारा लिया गया है। तो प्रथम वर्ष का जो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम लिया गया था उनको आधार मानते हुए और परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में अभी परीक्षा को आयोजित करने से बेहतर विकल्प यही है कि आंतरिक मूल्यांकन को ही मूल रिजल्ट का आधार बनाया जाए, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम है, कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि एक दिन में आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। ये 6 दिन तक एग्जाम लगातार चलता रहेगा, जिसमें आपको फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग में एग्जाम होगा और 12 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है फर्स्ट ईयर वाले को, और सेकेंड ईयर वाले को शायद 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बेहतर विकल्प है कि जितने लंबे समय तक अगर विद्यार्थी बाहर में रहेंगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, इसलिए इस परीक्षा को प्रथम वर्ष के आधार पर ही जारी किया जाए। आप सभी को बता दें कि सेकेंड ईयर में 645 नंबर का कॉलेज एग्जाम लेता है, यानी कि इंटरनल एग्जाम होता है, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 355 नंबर का ही एग्जाम लिया जाता है। तो बाह्य परीक्षा मात्र 355 नंबर का होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक परीक्षा ही अधिक महत्वपूर्ण है, अतः इसी को आधार मानकर परीक्षा परिणाम आसानी से जल्द जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, अगर बिहार सरकार या फिर जो है कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री अगर इस पर निर्णय लेते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, जिनके अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा रहा है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के आधार पर, या फिर जो कुछ भी एग्ज़ाम हो चुका है CBSE का, उस तर्ज पर बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए भी ऐसा अवसर मिल सकता है। फिलहाल इस पर कोई भी ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया है, अगर आती है तो हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।